हेलो फ्रेंड्स, रवि चौधरी इज बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं आपको बताऊंगा कपिंग थेरेपी के बारे में। मैं कपिंग थेरेपी कराने जा रहा हूं कि उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों कराया जाता है। और आजकल ये बॉडी बिल्डिंग लाइन में बहुत ज्यादा ट्रेंड बना रखा लोगों ने, तो ये ट्रेंड है एक्चुअल में या किसी टाइप की थेरेपी है, क्या इलाज है, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, इस चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा मैं। और मिलवाऊंगा डॉक्टर दानिश से जो ये थेरेपी करने आ रहे हैं हमारे पास। स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं डॉक्टर दानिश से, जो कि हम बताएंगे कपिंग थेरेपी यानी कि हिजामा थेरेपी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं हिजामा थेरेपी कराने वाला हूँ, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये क्यों कराया जाता है, वो बात करते हैं डॉक्टर दानिश से। जी देखिए, एक्चुअली आजकल ट्रेंड चला हुआ है हिजामे का, ठीक है। तो हिजामा है क्या? हिजामा होता है वेट कपिंग। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कपिंग थेरेपी लाइक फायर कपिंग, नीडलिंग कपिंग, आइस कपिंग एंड वेट कपिंग। हिजामा वेट कपिंग, ठीक है। हिजामा है क्या? हिजामा होता है आपका जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड होता है आपकी बॉडी का, वो आउट करते हैं। टॉक्सिन जो होता है वो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट। हमारे थोरैसिक पॉइंट पर लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गई, किडनी फंक्शन हो गया, हम वहाँ पर पॉइंट लगाते हैं। एंड सुन्नती पॉइंट होता है एक C7, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पॉइंट। वहाँ से हम डिऑक्सीनेटेड ब्लड आउट करते हैं, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती है। एंड जो मसल्स कहीं पर भी आपकी स्टिफ हो चुकी है कहीं पर, जैसे मान लीजिए शोल्डर हो गया, थाई हो गई, ठीक है, बैक हो गई, तो उस पर्टिकुलर एरिया पर भी हम कपिंग कर सकते हैं। वहाँ से उसका जो स्टिफनेस है, तो हैवी ब्लड हो रहा है, वहाँ से डिऑक्सीनेटेड ब्लड हम आउट करके उसको रिलीज कर देंगे, वो मसल्स जो है आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये होती है आपका हिजामा कपिंग थेरेपी। इसके बहुत ही बेनिफिट है। अगर आपका फैटी लीवर है आप हिजामा करा सकते हैं, आपको गैस बन रही है आप हिजामा करा सकते हैं, आपका कोई सा पार्ट बन नहीं रहा है आप हिजामा करा सकते हैं, आपका मान लीजिए कि थाई नहीं बन रही है आप वहाँ पर ड्राई कपिंग, आपको फैट लॉस करना है फायर कपिंग, आपके शोल्डर में इंजरी है आपको ड्राई कपिंग, आपका बाइसेप नहीं बढ़ रहा है ड्राई कपिंग। उससे क्या होता है, आपका स्टिमुलेट करता है पॉइंट को, ऐसा करता है उस पर्टिकुलर एरिया को। तो जब आप बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं आपका बाइसेप हल्का हो जाता है एंड स्टिफनेस खत्म हो जाती है, तो आपका बाइसेप ग्रो करेगा। अच्छा, इसका मैंने कई से लोगों को देखा है कि वो फेस पे भी कराते हैं, तो फेस पे इट्स अ लोकल पॉइंट, ठीक है। जैसे ये होता है हमारा स्टमक, ठीक है, इट्स अ लोकल पॉइंट। तो क्या होता है, एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, हम उसकी गंदगी को डायरेक्टली निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ कप। कप लगाया, आपका एक्ने है, पिंपल है, वहाँ पर पिंच आउट करा, उसकी जो जितना भी डस्ट था, जितनी भी गंदगी थी, जितना भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड था, उन्हें कप के थ्रू, सक्शन के थ्रू बाहर निकाल दिया। अब वो क्या होगा, वहाँ पर ड्राइनेस आ जाएगी, खुश्कीपन आ जाएगा, जिससे पिंपल्स एक्ने बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अगर ऐसे ही भी नॉर्मली इजीली इंसान कोई कराता है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है। चेहरे पर रौनक आएगी। कोई बालों के लिए कराते हैं तो बालों के अंदर क्या होता है, बायोटिन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण बाल टूटते हैं, तो उससे कपिंग कराने से डिऑक्सीनेटेड आउट हुआ, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा, ब्लड सर्कुलेशन का लेवल बढ़ा, बाल ग्रो करने से। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये कपिंग थेरेपी होती है, और मैं अपने ऊपर करवाने जा रहा हूँ, तो दिखाता हूँ आपको कैसे होती है थेरेपी, मिलते वीडियो में। मजा आ गया। वो तो ये मुंह की बात है, अंदर से पता है कि अभी लग रहा हो। अभी नहीं, जब वो पिंच होगा ना, जब पता लगता है वो। बस पिंच होगा ना, जब जब वीडियो बनाऊंगा मुंह की कैसा फील होता है। You ain't free.
आज की जो इनामा थेरेपी थी वो कंप्लीट हो गई है, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप में से किसी भाई को अगर ये थेरेपी करवानी हो और वो दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 24 के आसपास रहता हो, तो मैं दानिश भाई का जो पेज है और उनकी जो एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और यहाँ मैं साइड में कार्ड भी उनका मैंशन कर रहा हूँ, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।